एक बार देख लेते हैं इस समय शर्मा जी. अब यू नो जो एक दूसरी कंसर्न है, नॉट एग्जैक्टली कंसर्न, लेकिन ये तो आपने एक इवेंट कहा और ये तो प्ले आउट होगा पूरे नवंबर में जब तक वोटिंग ख़त्म नहीं होती. लेकिन साथ साथ जो ये बाकी दो तीन कंसर्न है मार्केट की, फेड भी दिसंबर में है लेकिन ECB उनकी तरफ से बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम को टेपर करना, या फिर डॉलर जिस तरह से बिहेव कर रहा है, क्रूड का मूवमेंट हमने जिस तरह का देखा, अभी इन सबको जोड़कर अगर हम देखें दिवाली क्या फीकी रहेगी क्या इस बार? मैं तो नहीं समझता दिवाली फीकी रहेगी, बिकॉज चीनी के दाम तो बढ़ते हुए दिखाई देंगे. एक बार जब MSP एक बार डिक्लेयर कर देती है गवर्नमेंट, तो उसके बाद में चीनी एज ए सेक्टर वो तब तक रुका रह सकता है, उसके बाद में यहाँ पे आपको वृद्धि होती दिखाई देगी. लेकिन मेरा ये मानना है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के चांसेस तो आपको दिखेंगे. जो डेटा आया ISM प्रोडक्टिव जो सर्विसेज का 57.1, वो अपेक्षा से 51 की अपेक्षा से बहुत अच्छा था. तो उस दृष्टि से अगर ये नंबर्स भी जो वीकली नंबर आने वाले, मंथली नॉन फार्म पेरोल आने वाला है इस शुक्रवार को, अगर वो अगर स्ट्रॉन्ग आ जाता है तो आप समझेंगे कि दिसंबर के अंदर हाइक एक बार पक्का हो जाएगा. नवंबर एक या दो की मीटिंग भी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि उसके अंदर किसी प्रकार का छेड़छाड़ होगी इंटरेस्ट रेट्स के साथ, क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 8 नवंबर को होंगे, तो उस सप्ताह में मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार का डिसीजन फेड लेगा. लेकिन जो तैयारी है वो पक्की हो जाएगी अगले सप्ताह, अगले महीने के लिए. तो हम जो चिल्ला रहे थे यहाँ पे, हम अपेक्षा कर रहे थे कि एक ही विंडो ही थी जो जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट हाइक करना था, और हमने बाकायदा बोला था कि इंटरेस्ट रेट हाइक आएगा, पर हम अपेक्षा कर रहे थे इंटरेस्ट रेट कट आएगा आधे टके का इंडिया के अंदर, लेकिन वो 0.25 ही आया. मेरे ख्याल से कहीं पे छूट गई है रेल हमारी. अगर आधा टके का काटते थे तो अच्छा रहता था, पर उसके बाद आगे चलते हुए बढ़ा उसको इंटरेस्ट रेट को कम कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा अगर डेटा सपोर्ट करता रहा इसी तरह से. तो इस बीच आप देखिए दो तीन स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं. CET अब ऑलमोस्ट आपका 1400 का साइकोलॉजिकल पार कर चुका है लेवल. JK टायर्स को यहाँ देखिए 160 पर, ये अपने 52 हफ्तों के नए उच्चतम स्तर पे है. ये शर्मा साहब टायर स्टॉक्स में तो कमाल ही कर दी, और लग रहा है कि अभी आई थिंक जब मैं चार्टिकली देखता हूँ तो लगता है कि ओवरबॉट है, लेकिन आई थिंक ऐसी स्थिति बाजार में रही नहीं है पिछले कुछ समय में. जो ओवरबॉट है उसमें बाजार का ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है. आई मीन जस्ट फॉर इंस्टेंस ऑटो एंसिलरी, बैटरी स्टॉक्स, केमिकल स्टॉक्स, एग्रोकेमिकल्स. अभी टायर स्पेस पे आपकी राय क्या है शर्मा साहब इस वक्त? देखिए साहब, इसके ऊपर मेरा कोई पर्टिकुलर स्टॉक तो है नहीं फंडामेंटल, लेकिन ये कहूंगा कि जब एक नया स्टॉक नया हाई बनाता चलता है और वॉल्यूम्स भी बेहतर रहते हैं, तो ऐसे वक्त में आपको फंडामेंटल्स को एक बार साइड में रख के टेक्निकली उसको ट्रेड करना चाहिए. और जो स्टॉक ऊपर रहते हैं, भले ही आप अगर ऑसिलेटर्स देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा बाइंग इसमें हो चुकी है, ओवरबॉट है, लेकिन मार्केट ओवरबॉट स्टॉक्स को कई समय तक, लंबे समय तक भी रख सकता है. तो उस दृष्टि से स्टॉपलॉस के जरिए ही इनमें बने रहना, वो मेरी सिफारिश या सजेशन रहेगा इस सेक्टर के लिए. बिल्कुल. चलिए विवेक, आपका शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए. थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस. इस समय तो निफ्टी बैंक आज भी थोड़ा पेन मार्केट के लिए क्रिएट करते हुए करीब 75 पॉइंट्स नीचे, और यस बैंक 2.5% नीचे. एक्सिस बैंक ने हालांकि रिकवरी थोड़ी दिखाई है, लेकिन अभी भी 1% नीचे ये ट्रेड कर रहा है. बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडसइंड, ये सारे इस समय लाल निशान.